असतो मा सद्गमय सद्गमय ओ तमसो शांति शांति शांति।
शांति 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 शांति। पूर्ण शांति का अनुभव करें। अपने आप पर ध्यान करें, अपने शरीर पर ध्यान करें, अपने स्वरूप पर ध्यान करें, अपने आप को महसूस करें। पूर्ण रूप से अपने आप को सिर से लेकर पैर तक अनुभव करें। अपने आप बनकर रहें। जस्ट ट्राई टू बी योर ओन सेल्फ, बी योर ओन सेल्फ। एक्सपीरियंस योर ओन सेल्फ। पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व पर ध्यान टिकाते हुए अपने आप में ही रहें। अपने आप का अनुभव करें। अपने ही अस्तित्व का अनुभव करें, उसका आभास करें। इस शरीर का अनुभव करें, सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर को अनुभव करें। इस स्थूल शरीर को अनुभव करें। अपनी स्थूल आत्मा को अनुभव करें। स्थूल रूप से हमारा शरीर पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप है, इसीलिए इसे स्थूल आत्मा भी कहा गया है। अपने स्थूल आत्म स्वरूप शरीर का अनुभव करें। पृथ्वी तत्व से बना हुआ यह स्थूल शरीर, इसका आभास करें। एक ठोस शरीर का अनुभव करें, जैसे यह शरीर पत्थर का बना हुआ है, इस प्रकार ठोस सॉलिड ग्रॉस शरीर का अनुभव करें। जैसे कोई मूर्ति हो मंदिर में रखी हुई, किसी भगवान की मूर्ति पत्थर से बनी हुई ठोस होती है, उसी प्रकार अपने इस स्थूल शरीर को पत्थर से बना हुआ ठोस रूप में इसका आभास करें। एकदम सॉलिड स्टिफ।
ईश्वर रूपी मूर्तिकार ने हमारे इस शरीर को एक सुंदर रूप दिया है। उस सुंदर रूप का अनुभव करते हुए अपने ही शरीर का आभास करें, जो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। उसके भारीपन को भी अनुभव करें। जितना भारी अपने शरीर को अनुभव कर सकते हैं उतना भारी उसे अनुभव करें। सॉलिड पत्थर से, पृथ्वी तत्व से बना हुआ यह शरीर सुंदर नाक नक्श, हाथ पैर, किसी दिव्य मूर्तिकार ने इसे बनाया। इस आत्मरूपी शरीर, स्थूल आत्मरूपी शरीर का पूर्ण रूप से पृथ्वी तत्व से बना हुआ ठोस वजनदार स्थिर जिसमें कोई हलचल नहीं, शांत, जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति शांत बैठी रहती है बिना किसी हलचल के, उसी प्रकार इस स्थूल शरीर को शांत भाव में बैठा हुआ देखें। स्थूल शरीर के अंदर भी पूर्ण रूप से मन भी शांत बैठा हुआ, सारी इंद्रियां भी शांत बैठी हुई है। न बाहर कोई हलचल है, न ही अंदर कोई हलचल, कोई क्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, पूर्ण रूप से निष्क्रिय स्थूल आत्मा का अनुभव करें। शून्य का अनुभव करें। अपने ही शरीर का अनुभव करते हुए शून्य का अनुभव करें। अंदर और बाहर रॉक सॉलिड की तरह स्थिर, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, किसी प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं, एक सुंदर अनुभव अपने ही शरीर को
स्थिर शरीर के अंदर निष्क्रिय मन, निर्विचार मन, पंचेंद्रियों को बिना किसी प्रतिक्रिया के जैसे किसी शिल्पकार ने पत्थर से हमारे शरीर को तराश कर यहां लाकर रख दिया, उसी प्रकार शांत और स्थिर अपने आप को अनुभव करें। जस्ट ट्राई टू बी योर ओन सेल्फ। While being your own self, be nothing. पूर्ण रूप से आप अपने आप में ही स्थित हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। अपने आप को अनुभव कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे इसी स्थूल शरीर को जो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, जो पत्थर के समान स्थिर है, निष्क्रिय है, निश्चल है, उसे धीरे धीरे थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से परिवर्तित होता हुआ देखें और पृथ्वी तत्व से परिवर्तन होकर जल तत्व का बनता हुआ देखें। अपने ही शरीर को, जो पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर, रॉक सॉलिड, स्थिर, ठोस, उसे धीरे धीरे निर्मल होता हुआ, सूक्ष्म होता हुआ, जल तत्व में परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। इस प्रकार अनुभव करें जैसे यह शरीर जल से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, इसका ठोस स्वरूप खत्म हो चुका है और यह निर्मल हो चुका है। अपने ही शरीर को जल का शरीर, जल के शरीर का अनुभव सिर से लेकर पैर तक अपने ही शरीर पर ध्यान देते हुए उसके ठोस पने को खत्म होकर निर्मल होकर जल तत्व से बना हुआ आभास करें, अनुभव करें जैसे हमारा शरीर जल से बना हुआ है, पानी से बना हुआ यह शरीर सिर से लेकर पैर तक सिर्फ पानी का ही, जल का ही अनुभव करें। निर्मल शरीर और उसी प्रकार शरीर के अंदर भी सिर्फ जल तत्व ही जल तत्व है। सारे शरीर में जल तत्व ही जल तत्व है। शरीर के निर्मल होते ही मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार भी साथ ही साथ जल की तरह निर्मल हो रहे हैं, होते जा रहे हैं और वे भी
पूर्ण रूप से जल की तरह निर्मल हो चुके हैं। एक नया अनुभव करने का प्रयास करें, अपने ही शरीर को पूर्ण रूप से जल से बना हुआ, जल तत्व से बना हुआ, हर जगह पानी ही पानी अपने शरीर के अंदर, जिसका स्थूल स्वरूप खत्म हो चुका है और सूक्ष्म स्वरूप निर्मल स्वरूप में वह परिवर्तित हो चुका है। Your own physical body has converted from gross prithvi tattva to subtle liquid water element. शरीर के जल तत्व में परिवर्तित होने पर मन इंद्रियां बुद्धि भी जल की तरह निर्मल हो चुकी है। शिव जी की जटा से उत्पन्न होने वाली शुद्ध गंगा जल से ही बना हुआ यह शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध जल तत्व से बना हुआ शरीर इस जल तत्व के बने हुए शरीर में मन इंद्रियां बुद्धि भी निर्मल हो चुकी है और इनके निर्मल होने के कारण पूर्व समय की घटनाएं, पूर्व समय की यादें धीरे धीरे जल में प्रवाहित होते हुए, जल में लीन होते हुए आभास करें कि शरीर के अंदर इतनी निर्मलता आ गई इस जल तत्व के शरीर के बनने पर, इतनी शुद्धता आ गई कि पूर्व समय की कोई घटना आपको याद नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म भी इस जल तत्व में प्रवाहित होकर पूर्व समय में किए हुए अशुद्ध कर्म आज इस शुद्ध जल तत्व के शरीर के संपर्क में आने पर अशुद्ध कर्म भी शुद्ध हो चुके हैं। इसे ही शुद्ध आत्मा कहा गया है। एक दिव्य अनुभव करने का प्रयास करें, स्थूल शरीर से थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप धारण करता हुआ स्थूल से जल तत्व से बना हुआ शरीर और अंतर में यह शुद्ध जल अंतःकरण की शुद्धि करता हुआ अपने आप को शुद्ध जल की तरह दिव्य शुद्धता
अंतःकरण में निर्मलता का आभास करें। अब धीरे धीरे अपने स्वरूप को और सूक्ष्म करते हुए जितना जल का ठोस पना है उसे भी खत्म होता हुआ जल तत्व को अग्नि तत्व में परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। अपने ही शरीर पर ध्यान देते हुए, अपने स्वरूप पर ध्यान देते हुए, अपने आप पर ध्यान देते हुए, अपने ही शरीर को जल तत्व से परिवर्तित होता हुआ अग्नि तत्व में बनता हुआ देखें। शुद्ध शांत प्रकाशमान शरीर जो अग्नि तत्व से बना हुआ इस दिव्य अग्नि में गर्मी नहीं शीतलता है, हल्की सी ठंडक है, क्योंकि यह सूक्ष्म अग्नि तत्व से बना हुआ है। अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हुए अपने शरीर में सिर से लेकर पैर तक प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव करें, अग्नि की तेज प्रकाश से प्रकाशित अपने आप को अनुभव करें, अपने आप में ही स्थित रहें। और इस बदलाव को साक्षी भाव से देखते रहें। पृथ्वी तत्व से जल तत्व, जल तत्व से अग्नि तत्व में परिवर्तित होता हुआ अपने आप का स्वरूप प्रकाश ही प्रकाश इस दिव्य अग्नि में अंतःकरण अंतर में स्थित मन बुद्धि इंद्रियां इस अग्नि के संपर्क में आने पर जो थोड़ी बहुत अशुद्धता उनमें रह गई थी वो भी खत्म हो रही है, जलकर भस्म हो रही है। अपने आप में स्थित रहते हुए, अपने आप का आभास करते हुए, अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हुए जो दिव्य अग्नि से उत्पन्न हुआ हुआ है और जहां कहीं शरीर में थोड़ी बहुत अशुद्धता रह गई थी, मन इंद्रियों में थोड़ी बहुत अशुद्धता रह गई थी, उन्हें भी यह जलाकर यह दिव्य प्रकाश, दिव्य अग्नि का प्रकाश उन अशुद्धताओं को जलाकर भस्म कर रही है और आपको एक प्रकाश युक्त शरीर प्रदान कर रही है, एक दिव्य शरीर प्रदान कर रही है। यह अग्नि तत्व से बना हुआ शरीर
मन इंद्रियों बुद्धि अहंकार को भी अग्नि तत्व का बनाकर उनकी अशुद्धताओं को, उनकी नकारात्मकताओं को, उनकी सारी नेगेटिविटी को, उनके पास्ट इम्प्रेशंस को और पूर्व जन्म में किए हुए संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर रही है। अग्नि तत्व से बना हुआ दिव्य प्रकाश से प्रकाशित इस शरीर पर ध्यान देते हुए, अपने स्वरूप पर ध्यान देते हुए, जिसमें कोई ठोस पना नहीं, अग्नि में जिस प्रकार ठोस पना नहीं होता, उसी प्रकार अपने आप पर, अपने आप के अंदर उस सूक्ष्म जहां कोई ठोस पना नहीं, उस स्वरूप का अनुभव करें। जस्ट एक्सपीरियंस योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। सारा का सारा ध्यान अपने ही स्वरूप पर, दिव्य प्रकाश से प्रकाशित चमकता हुआ शरीर और उस शरीर में दिव्य प्रकाश से प्रकाशित सूक्ष्म आत्मा, शुद्ध अंतकरण, शांत मन, अब धीरे धीरे इसी शरीर को और सूक्ष्म होता हुआ अनुभव करें। अग्नि तत्व से वायु तत्व में परिवर्तित होता हुआ इसे अनुभव करें। अपने आप को, अपने शरीर को वायु तत्व में परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। आपका शरीर अब वायु से बना हुआ शरीर है, हल्का फुल्का, कहीं कोई ठोस पना नहीं, कोई वजन नहीं। जिस प्रकार वायु में कोई वजन नहीं होता, हल्की फुल्की होती है, उसी प्रकार अपने ही शरीर को वायु के समान हल्का फुल्का अनुभव करें। पूर्ण रूप से वायु में परिवर्तित हो चुका शरीर और चूंकि वायु में यह शरीर परिवर्तित हो चुका है, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई ठोस पना नहीं, सिर्फ वायु ही वायु है। हवा की तरह इस शरीर को हिलता ढुलता झूमता हुआ अनुभव करें या हवा की तरह इसे शांत भाव में अनुभव करें।
जिस प्रकार आप वायु को अनुभव करते हैं या जिस प्रकार आप वायु को अनुभव करना चाहते हैं उसी प्रकार अपने आप को अनुभव करें। पूर्ण रूप से सूक्ष्म और जिस प्रकार आप वायु को देख नहीं सकते, वायु अदृश्य रूप में रहती है, उसी प्रकार आपका शरीर अदृश्य हो चुका है। हम वायु को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसी प्रकार अपने शरीर को सिर्फ आप अनुभव कर पा रहे हैं, परंतु यह देखने लायक नहीं रहा, अदृश्य हो चुका है। अपने ही शरीर को अदृश्य अनुभव करते हुए सिर्फ उसका अनुभव, उसका आभास कर पा रहे हैं, शरीर के आर पार देखने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें कोई ठोस पना नहीं रहा, वायु की तरह सूक्ष्म हो चुका है और हम वायु के आर पार कुछ भी देख सकते हैं। हर स्थान पर वायु रहते हुए भी हम दूर के दृश्य को देख पाते हैं, वायु के आर पार देख पाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर के आर पार देखने का प्रयास करें, उसमें कहीं कोई ठोस बना नहीं, चंचल वायु की तरह झूमता हुआ शरीर शीतल अनुभव देता हुआ। इस स्थिति में, इस भाव में रहने पर शरीर के अंदर की सारी बीमारियां जो ठोस शरीर के ठोस पने में ही बीमारियां उत्पन्न होती है, वे सब समाप्त हो जाती है, उनका पूर्णतया नाश हो जाता है। जब शरीर में कोई ठोस पना ही नहीं रहा तो वहां पर बीमारी भी नहीं रह सकती। किसी के शरीर में कहीं कोई बीमारी अगर थी, उस बीमारी का नाश होते हुए देखें, उस बीमारी का नाश होते हुए अनुभव करें, अपने शरीर को वायु तत्व में परिवर्तित होने के पश्चात पूर्ण रूप से शुद्ध वायु के शरीर होने के पश्चात सारा का सारा ठोस पना खत्म हो चुका है और कहीं कोई ठोस चीज न रहने के कारण वहां पर कोई बीमारी भी नहीं रह सकती। और अंतःकरण में भी जहां मन इंद्रियां बुद्धि अहंकार होते हैं वहां पर भी वो इस वायु में लीन होने के कारण उनका भी ठोस पना खत्म होने के कारण अपने भूतकाल के स्वभाव को छोड़कर अपने भूतकाल के
यादों को छोड़कर वर्तमान में शुद्ध स्वरूप रूप से स्थित हो गए हैं, अंतःकरण में भी परिवर्तन हो चुका है, वायु की तरह वे भी सूक्ष्म हो चुके हैं, अब धीरे धीरे इस वायु तत्व से बने हुए शरीर में और सूक्ष्मता का अनुभव करते हुए इसे आकाश तत्व में परिवर्तित होता हुआ अनुभव करें। वायु से भी सूक्ष्म आकाश तत्व, जहां पूर्ण रूप से शून्यता, जहां पूर्ण रूप से निश्चलता, निष्क्रियता, निराकार, सर्वव्यापकता होती है, उसे आकाश तत्व कहा गया है। आकाश तत्व से ही बाकी दूसरे तत्वों की उत्पत्ति होती है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। शुद्ध आकाश तत्व निराकार निर्गुण, जिसमें कोई भूतकाल और भविष्यकाल नहीं होता, सिर्फ वर्तमान होता है। आकाश तत्व में पूर्ण शून्यता होती है। वह शुद्ध परब्रह्म से उत्पन्न हुआ हुआ सृष्टि का पहला चरण आकाश तत्व, जिसमें से वायु तत्व, वायु तत्व में से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व और जल तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है, वह शुद्ध वायु तत्व हमारा शरीर उस वायु तत्व से बना हुआ सीधा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ हुआ आकाश तत्व से बना हुआ यह शरीर जिसमें कोई हलचल नहीं, शांत शून्य दिव्य स्वरूप अपने आप को आकाश तत्व से बना हुआ निराकार निर्गुण निष्क्रिय अदृश्य रूप से पूर्ण शुद्धता में स्थित अपने आप को सारी सृष्टि में व्याप्त ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान सर्वव्याप्त आकाश तत्व में लीन होता हुआ अनुभव करें। आपका कोई स्थूल अस्तित्व अब नहीं रहा, सूक्ष्म से सूक्ष्म अस्तित्व बन चुका है। आकाश तत्व के स्वरूप में कहीं पर कोई स्थूल अनुभव नहीं, कहीं कोई स्थूलता नहीं,
आकाश तत्व से बना हुआ शरीर पूर्ण दिव्य शुद्ध आकाश तत्व से उत्पन्न जो ब्रह्म स्वरूप ही है उसका अनुभव करें, जिसमें कोई गुण नहीं होता वह निर्गुण है। अपने इस निर्गुण स्वरूप का अनुभव करें। निर्गुण होने के कारण आप में किसी प्रकार की कोई कमी, कोई आधी व्याधि नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। हमारे सारे के सारे पाप पुण्य कर्म आदि इस आकाश तत्व में लीन होकर सारे विश्व में फैल कर उस ब्रह्म में लीन हो चुके हैं जहां से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। हम जिन जिन गुणों को अपने अंदर धारण कर चुके थे वे सारे के सारे गुण, अच्छे बुरे पाप पुण्य आदि गुण, सारा का सारा स्वभाव, सारी की सारी कमजोरियां बुराइयां आकाश स्वरूप होने के कारण मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार ने उन्हें पकड़ करके रखा था, आज वे सब आकाश तत्व में परिवर्तित होने के कारण उनसे छूट चुके हैं। आपके मन बुद्धि इंद्रियां अब पूर्व गुणों से मुक्त हो चुके हैं। आप में किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं, क्योंकि हम निर्गुण अवस्था में स्थित हो चुके हैं, निराकार अवस्था में स्थित हो चुके हैं, निष्क्रिय अवस्था में स्थित हो चुके हैं, शून्यता में स्थित हो चुके हैं। मन बुद्धि में शक्ति ही नहीं कि वो किसी भी प्रकार के गुणों को अवगुणों को पकड़ कर रख सके, वे सब छूट चुके हैं, क्योंकि मन स्वयं भी वह सूक्ष्म से विस्तार में जाकर अपने आप के स्वरूप को छोड़कर पूर्ण रूप से आकाश स्वरूप को धारण कर चुका है, और आकाश स्वरूप धारण करने के कारण अपनी ही संकीर्णता को छोड़कर, अपने ही कॉन्ट्रैक्शन को छोड़कर एक्सपेंशन में जा चुका है। हम विश्व के साथ एक हो चुके हैं। फील द यूनियन विद यूनिवर्स। आप ब्रह्मांड के जितने विस्तार स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, क्योंकि हमारी संकीर्णता समाप्त हो चुकी है। हम जो एक कॉन्ट्रैक्टेड शरीर को लेकर घूम रहे थे, एक संकीर्णता के साथ हम जी रहे थे, आज आकाश तत्व में उसका परिवर्तन होने के पश्चात
हम पूर्ण रूप से अपने एक्सपेंडेड स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, अपने विशाल स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। इस दिव्य अनुभव, दिव्य आभास का आनंद लें। निराकार निर्गुण स्वरूप का अनुभव करें, अपने ही अदृश्य स्वरूप का अनुभव करें। पूर्ण रूप से ब्रह्म से उत्पन्न अपने ही इस स्वरूप, विशाल स्वरूप, सारे विश्व में व्याप्त अपने स्वरूप पर ध्यान देते हुए उसके एक्सपेंशन का अनुभव करते हुए एक दिव्य आनंद में स्थित होने का प्रयास करें। जब कहीं कोई स्थूलता ही नहीं तो वहां पर कोई आदि व्याधि नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भय नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, फिर उनके फल भी नहीं। हमने हमारे सारे पाप पुण्य आदि कर्मों को विश्व में व्याप्त कर दिया है और हम उनसे मुक्त हो चुके हैं। मुक्त होने के कारण ही हम शुद्ध हो चुके हैं, निर्गुण निराकार दिव्य स्वरूप। अपने आप को हर तरह की अशुद्धता से मुक्त महसूस करें, हर तरह के अवगुणों से मुक्त महसूस करें। जब संकीर्णता ही नहीं तो कोई अवगुण और पाप भी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई भय नहीं, न जीवन जीवित रहते हुए किसी प्रकार का भय और न ही मृत्यु से भय, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भी हम इसी प्रकार के स्वरूप में स्थित रहेंगे। जब शरीर नहीं रहेगा तब हम इस प्रकार का विश्व स्वरूप का अनुभव करेंगे, सारे विश्व में व्याप्त हो जाएंगे। शरीर की संकीर्णता के छूटने से ही, मन की संकीर्णता छूटने से ही, बुद्धि की संकीर्णता छूटने से ही हम विश्व में व्याप्त हो सकते हैं और सारे विश्व में फैलकर सूक्ष्म रूप से हम हजारों गुना अधिक आनंद का अनुभव कर पाते हैं। हमारी संकीर्णता ही हमें हमारे आनंद से वंचित रखती है। Feel the expansion, feel the oneness with the universe, with the cosmos, with the Brahmand.
ब्रह्मांड ही आपका शरीर, सारा विश्व आपका शरीर। और इतना एक्सपेंशन होने के पश्चात इस विश्व के साथ एकता होने के पश्चात, ब्रह्म के साथ योग होने के पश्चात, हम दिव्य स्वरूप का निर्माण कर चुके हैं। अपने ही दिव्य स्वरूप में स्थित रहते हुए, अपने दिव्य स्वरूप का आभास और अनुभव करते हुए, पूर्ण रूप से अपने आप को निर्गुण और निराकार स्वरूप में स्थित पूर्ण आनंद का अनुभव लें। इसी स्थिति को सत चित्त आनंद कहा गया है, क्योंकि यही सत्य है। जिस शरीर, स्थूल शरीर को हमने धारण किया था, जिसका हम अनुभव करते हुए उसे ही स्वयं शरीरधारी हूं इस प्रकार जो अनुभव कर रहे थे, वह असत्य है। यह निराकार निर्गुण स्वरूप ही सत्य है। और यह शुद्ध चेतना से उत्पन्न हुआ हुआ है, इसलिए इसे चित्त कहा गया है। और निर्गुण निराकार विशाल स्वरूप होने के कारण इसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, सत्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं विश्व हूँ, हूँ मैं दिव्य
चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। अपने हाथों को अपने हृदय पर, अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखकर इस सच्चिदानंद का अनुभव करें। मैं सच्चिदानंद हूँ। अपने राइट हाथ को हृदय पर रखते हुए अपने सच्चिदानंद का अनुभव करें, सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करें। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि। हर समय अपने इस ब्रह्म स्वरूप का ध्यान रखें। हर समय हर पल अपने ब्रह्म स्वरूप का आभास करें, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करें। अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध, निराकार, निर्गुण ब्रह्म अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करते जाएं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई आधि व्याधि नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। हर जीव से, हर वस्तु से, हर चीज से सिर्फ प्रेम ही प्रेम, करुणा ही करुणा। इस ब्रह्म स्वरूप में प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, करुणा कूट कूट कर भरी हुई है। उसे रोके नहीं, उसे संकीर्ण न होने दें, उसे बाहर निकलने दें। हर जीव के लिए प्रेम करुणा उत्पन्न होने दें, क्योंकि दूसरे जीव भी आपका ही स्वरूप है। एक दिव्य अनुभव, दिव्य यात्रा करने का आनंद लेते हुए अपना ध्यान अपने ही स्वरूप पर धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर पर भी अपना ध्यान लेते आए। स्थूल शरीर का आभास करते हुए भी अपने दिव्य स्वरूप का ही अनुभव करते रहें। स्थूल शरीर असत है, दिव्य स्वरूप सत्य है। स्थूल शरीर का आभास अनुभव करते हुए हर समय
अपने दिव्य स्वरूप पर ध्यान टिकाए रखें। संसार में विचरण करते हुए, संसार के हर कार्य करते हुए, जो जो कार्य स्थूल शरीर से करने होते हैं, उन्हें स्थूल शरीर से करते हुए हर पल अपनी दिव्यता का अनुभव करते रहें। यही जीवन मुक्ति का आनंद है, यही मोक्ष है, यही एनलाइटनमेंट है। 24 घंटे हर पल स्थूल शरीर से क्रिया होते हुए भी मैं सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप पूर्ण रूप से ब्रह्म हूं, यह आभास रहे आपका एनलाइटनमेंट हो गया। इसे ही ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था कही जाती है। ब्रह्म ज्ञानी भी अपने शरीर को लेकर के संसार में विचरण करते हैं, शरीर से हर तरह की क्रिया करते हैं। शरीर को भूख लगती है तो उसे भोजन भी देते हैं, परंतु हर पल हर क्षण अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म अवस्था है। अपने स्थूल शरीर का अनुभव करते हुए, आसपास के वातावरण को अनुभव करते हुए, आसपास बैठे हुए दूसरे स्थूल शरीरों का अनुभव करते हुए, अपना ध्यान अपने ब्रह्म स्वरूप पर टिकाते हुए और आसपास स्थूल शरीर में स्थित ब्रह्म शरीर के दर्शन करते हुए, धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। आंखें खोलने के पश्चात भी जो दृश्य आपको दिखे, उस दृश्य को स्थूल रूप में देखते हुए उस दृश्य के पीछे, उस स्थूल शरीर के अंदर ब्रह्म शरीर देखने का प्रयास करते रहें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ कर मसल कर अपनी आंखों पर लगा ले। हल्के से आंखों की पुतलियों को मसलते हुए उनका तनाव खत्म करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करें। आंखें नहीं खुलती हो तो थोड़ी देर इसी प्रकार आंखें बंद रखते हुए स्थूल शरीर के तनाव को मुक्त करते हुए हाथ पैर को खोलकर हाथों पैरों को ढीला छोड़ दें। आंखें खोलकर या आंखें बंद रखते हुए हाथों पैरों को ढीला छोड़कर तनाव मुक्ति का अनुभव करें, दिव्यता का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। हर क्षण स्थूल शरीर का अनुभव करते हुए भी अपने ब्रह्म शरीर का अनुभव करते रहें।